हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के दिन यानी सितंबर 14 तारीख को पूरे भारत में हिंदी के तौर पर मनाया जाता है और इसलिए हम लोग आज इस मौके पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम देव वंदना के साथ इस दिवस का प्रारंभ करेंगे। उसके लिए मैं अभिया अनिश को स्वागत करती हूँ। हम बालकादान प्रभु दो हमको वरदान प्रभु गुरुजन को शिष्या झुका है पट लिख कर पते जाए माता पिता का मान दो हमको वरदान प्रभु हम बालकादान प्रभु दो हमको वरदान प्रभु। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो प्रथम शब्द जो वे माँ से सुनाता है वो मेरा प्यारा बच्चा मेरी प्यारी बेटी मेरी गुड़िया रानी होते हैं। जब हम स्वाभाविक रूप में सोचते हैं प्रतिक्रिया करते हैं तो मातृभाषा में ही करते हैं। चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाए प्रतिक्रिया हो जाए किंतु नस नस में राज्यवासी यह सच्चाई यह भाषाई सुगंध कभी नहीं जा सकती। मैं यह बात इसलिए बता क्योंकि हमारे जीवन में भाषा का एक अत्यंत जगह है। आइए हम शाने अगले कार्यक्रम की और आज के सोच भी प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दिया सेरा सिद्दीक। आज का सुविधा हिंदी का प्रसंग है सुराज का प्रसंग है महात्मा गांधी धन्यवाद। आगे मैं प्रतिज्ञा के लिए एलन थॉमस को आमंत्रित करती हूँ। भारत मेरा देश है सब भारतवासी मेरा भाई बहन है मैं अपनी देश प्राण से भी प्यारा करता हूँ। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है हमें इसकी सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। मैं अपनी माता पिता शिक्षक एवं गुरुजनों के साथ सदा आदर करूंगा और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं अपनी देश और देशवासियों का प्रति वफादार रहने का प्रयत्न करता हूँ उनकी कल्याण और समृद्धा में। जय हिंद। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। परंतु आप जानते हैं कि इस क्यों और कब से मनाया गया है? तो आइए इस जानकारी के लिए मैं अपने प्रिय मित्र निरंजना मिनीश को आमंत्रित करती हूँ। सादर प्रणाम। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अन्य पर्व की तरह ही भारत के लोगों के लिए हिंदी दिवस भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को विशेष रूप से हिंदी दिवस मनाने के लिए क्यों चुन गया है? 1947 में जब हमारा देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तब उनके सामने भाषा की एक बड़ी चिंता गढ़ी हुई। भारत एक विशाल देश है इसमें विविध संस्कृति है। स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 के पूरी तरह से अपना संविधान प्राप्त किया पर संविधान के लिए आधिकारिक भाषा चुन की चिंता तभी भी अनसुलझी थी। एक लंबी बहस और अंग्रेज को स्वतंत्र भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। 14 सितंबर 1949 सब स्वतंत्र संविधान सभा ने देवनागरी लिपि और अंग्रेजों में
लिखित हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। धन्यवाद। बहुत खूबी। और वित्त से निरंजना मिनीश ने हमें समझाया है कब और क्यों इस दिवस को मनाता है। चलिए हम एक छोटा सी चित्र मुद्रण यानी प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। दिवस मनाने का एक कारण होता है। चलिए आज हम इस दिवस मनाने का उद्देश्य भी गोविंदा से जान लेते हैं। नमस्कार। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। हिंदी का उपयोग किए बिना हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन समृद्ध सदा सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए हिंदी दिवस पर पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्तियों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने अपने कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग किया हो। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपने देश को विकसित देशों की सूची में शामिल कराने के लिए हिंदी को अपनाना होगा। सभी भाषाओं में से ज्यादा अपनी राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह संभव तभी होगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति भागीदारी करेगा। ताल से ताल मिलाए जा, हिंदी को आगे बढ़ाए जा। धन्यवाद। बहुत खूब। आइए थोड़ा सा मनोरंजन हो जाओ। उसके लिए मैं भूमिका भुवना बावे आमी और निवेदिता को एक गीत प्रस्तुत करने आमंत्रित करती हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी
की भाषा, राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा, देव लोग की लिप में भाषा, जन जन की मन में अभिलाषा, देव लोग की लिप में भाषा, जन जन की मन में अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा का बनी है, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा का बनी है, मुक्त राष्ट्र का सागा स्वरूप शोभित इसकी गहनी है, मुक्त राष्ट्र का सागा स्वरूप शोभित इसकी गहनी है, बड़े बड़े जोलिए सुने वही जोलिए, बड़े बड़े जोलिए सुने वही जोलिए, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। जोरदार तालियां। हमारी नानी से गुड़िया जिसके नाम है ज्वलना आशीष कक्षा एक ही चार प्रस्तुत करने वाली है एक छोटा सा गीत। सबको नमस्कार, धोबी आया धोबी आया, कपड़े साथ, कितने कपड़े लाया कितने कपड़े लाया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और पास। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मनोरंजन का समाप्त हम एक कहानी सुनकर करते हैं, जिसके लिए मैं कक्षा पांच के बेन कुरुड़ा को बुलाना चाहती हूँ। आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक नाम है रेलगाड़ी और लड़की का नाम है पिंगी। कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी दिदा में रेलगाड़ी देखी, उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंगी ने जब उड़ाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया, उसमें पहला डब्बा जुट गया, दूसरा डब्बा जुट गया, जुटते जुटते गई सारे डिब्बे जुट गए। जब चौक कट हो गया, पिंगी उड़ी, उसने देखा कक्षा के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। नैतिक शिक्षा है हम पर क्या है, हमें बच्चों के मनोबल के बढ़ाई कल के भविष्य का निर्माण आज से होने दे। धन्यवाद। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रधान आचार्य मिसेस मेरी जॉर्ज को हिंदी दिवस के दिन पर दो चार संदेश हमारे मित्रों को बताने आमंत्रित करती हूँ। सोफिया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चे और आदरणीय सहयोगियों, नमस्ते, शुभ प्रभात। कल 14 सितंबर हम हिंदी दिवस मनाया। क्यों हम हिंदी दिवस मनाते हैं किसी को मालूम है? आज गोपिका और निरंजना और कुछ प्यारे बच्चे ने इसके रीजन, कारण हमारे बताया है। भारत एक बड़ा देश है, हम सबको मालूम है, और भारत में करीब 77% से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, और फिर 22 लैंग्वेज भाषाएं हैं
भारत में। इसी के कारण एक भाषा को आधिकारिक भाषा चुनाने के लिए की आवश्यकता था, इसलिए हिंदी भाषा को चुनाया है, क्योंकि लगभग 70% लोग हिंदी बोलते हैं। भाषा की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमको भाषा चाहिए, समझने के लिए, समझाने के लिए? इसके अंदर भाषा हमारा संस्कार है, पहचान है, और भाषा हमारा भाषा को अच्छी तरह बोलने से हमको गर्व होना चाहिए। मैं कुछ साल से आप हिंदी में नहीं बोलते, इसलिए ये भाषण में बहुत गलत होंगे, ग्रामर मिस्टेक बहुत होंगे। एशली मैम से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन जिस तरह हम अपने मातृभाषा मलयालम को प्रिय समझते हैं, उसी तरह हमारे राष्ट्रभाषा को भी प्रिय समझने की एफर्ट्स लेना है। भाषा इस दुनिया में बहुत बहुत कंट्री देश है, लेकिन कोई भी देश में इतनी डिफरेंट अलग अलग भाषाएं नहीं है, सिर्फ भारत में है। उसी उस तरह की देश की सिटीजन्स है हम, इसलिए एक कॉमन भाषा को समझाने के लिए और समझने के लिए हमको पढ़ना है। इसलिए हम हिंदी हमारे स्कूल में एक महत्वपूर्ण भाषा के स्थान दिया है। प्यारे बच्चे, हिंदी दिवस सिर्फ हिंदी दिवस में नहीं, बट हर दिवस को हमको हिंदी थोड़ा ही थोड़ा कम से एक घंटे और सो बोलने की आदत होना है। इस बताकर मैं आज का भाषण ऑडियो से बंद रहा हूँ। धन्यवाद। मैंने धन्यवाद बताया लुइस, आप कंटिन्यू कीजिए। अंत में मैं हमारे विद्यालय के हिंदी अध्यापिका मिसेस आश्ली को धन्यवाद प्रस्ताव करने आमंत्रित करती हूँ। शिक्षिका गण तथा मैं प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबकी यहाँ उपस्थित के लिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। हिंदी के इस पर्व पर बच्चों ने आज बहुत खूब से हिंदी का महत्व अपने लेखन, गीत और कहानी में प्रस्तुत किए हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी मातृभाषा का ही नहीं, बल्कि राजभाषा का ही ज्ञान बढ़ाना है और निरंतर इसकी ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में मैं आप
सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे इस कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य मिला और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। एक पंक्ति के साथ इस धन्यवाद प्रस्ताव का अंत करती हूँ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की पहचान नहीं। धन्यवाद। पढ़ना है, पढ़ना है, सबको सिखाना है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। धन्यवाद। खूब परफॉर्मेंस, कीप इट अप। वेरी गुड असेंबली। स्पेशल क्रेडिट टू एशली मैम एंड लिशा मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.